Hi guys, welcome back to my channel Civil Bug. First of all, I would like to thank you all for a great response on my previous video of self-healing concrete. Thank you so much for that. So, I'm here with a new trending subject of civil engineering, which is box pushing technique. In this video, I have tried to explain all the important points related to the box pushing technology, as its uses, methodology, equipments used for it, its advantages, disadvantages, precautions, and last will be the conclusion. जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारे इंडिया में ट्रैफिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ज़्यादातर देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मेट्रो सिटीज में ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम अल्टरनेट रूट का यूज कर सकते हैं। अगर अल्टरनेट रूट अवेलेबल नहीं है तो वी कैन कंस्ट्रक्ट इट, लेकिन अगर वहां पे हेवी ट्रैफिक है तो वहां पे हम कंस्ट्रक्शन ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई टू रिड्यूस द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन द बॉक्स पुशिंग टेक्निक इज इंट्रोड्यूस्ड टू अस। बेसिकली इस बॉक्स पुशिंग टेक्निक का जो यूज है वो टनलिंग के लिए ज्यादा होता है। So generally, this method is all about casting of RCC boxes outside in segments and pushing them through a heavy road embankment. The purpose of box pushing technique is to form a horizontal opening below the ground without disturbing overhead amenities like traffic and various structures. So ये जो था, वो था introductory part of box pushing technology. उसके बाद जो आती है, वो है इसकी methodology. अगर मेथडोलॉजी में हम देखेंगे तो कुछ स्टेप्स आते हैं। तो फर्स्ट विल बी योर एक्सकैवेशन, उसके बाद कास्टिंग ऑफ थ्रस्ट बेड्स, फैब्रिकेशन ऑफ फ्रंट एंड रियर शीट, बॉक्स कास्टिंग एंड प्लेसिंग, पुशिंग, शिफ्टिंग, पुशिंग ऑपरेशंस, उसके बाद आपका आता है मिसलिनियस वर्क्स, और लास्ट विल बी योर प्रिकॉशंस। अब ये जो मैंने टर्म्स बताई, ये क्या है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके बाद मैं आपको फर्स्ट दो स्टेप्स है वो साथ में एक्सप्लेन करूंगी, जो है एक्सकैवेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्रस्ट बेड, क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर में देख सकते हो कि ओपन एक्सकैवेशन किया गया है, छोटे छोटे पिट्स एक्सकैवेट किए जाते हैं जिनको हम पिन पॉकेट्स भी कहते हैं। आफ्टर द एक्सकैवेशन वी कैन कंस्ट्रक्ट द थ्रस्ट बेड। सो इस थ्रस्ट बेड के प्रोसेस में जो है हम थ्रस्ट बेड, थ्रस्ट बीम्स और की जो है वो एक ही साथ में आरसीसी में डिजाइन कर। जैसे आप यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली फिगर में देख सकते हो कि एक कंसेप्ट है विच इज शियर कीज, और ये जो शियर कीज है वो शियर एक्शंस रेजिस्ट करने के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। वी प्रोवाइड जैकिंग सपोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल नंबर्स ऑफ पॉकेट्स इन अ थ्रस्ट बेड टू अकोमोडेट पिन सपोर्ट्स ऑल्सो। अब जैकिंग प्रोवाइड करने के बाद हम थ्रस्ट बेड को एज ए फ्लोर बेड भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला जो पॉइंट है वो है बॉक्स कास्टिंग एंड पुशिंग। अगर मेथडोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है फैब्रिकेशन ऑफ फ्रंट एंड रियर शील्ड। ये कंसेप्ट क्या है फ्रंट और रियर शील्ड की, वो मैं आपको इसी पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इन द नेक्स्ट प्लेस द आरसीसी बॉक्स इज कास्ट इन अ कन्वीनियंट लेंथ ऑफ टोटल पुशिंग लेंथ। तो ये जो बॉक्स सेक्शंस होते हैं उनकी डिजाइनिंग जो है वो आईआरसी और आईआरएस के अकॉर्डिंग ही होती है, और यहाँ पे जो हम कॉन्क्रीट यूज करते हैं वो नॉर्मली M35 ही रखते। अब ये जो बॉक्सेस है जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनका यूज करके हमें ग्राउंड में एक हॉरिजॉन्टल ओपनिंग क्रिएट करनी है, तो इनका डिजाइनिंग जो है तो वो थोड़ा सा अलग रहेगा। So now we are going to add two most important concepts of this technique, which are front cutting shield and rear jacking shield. The front face of the precast box is provided with a specially designed structure named as cutting shield. It works as a cutting edge, and the rear jacking shield is provided to distribute the jacking load uniformly on the concrete area. It provides proper connection between the steel plate on the face of the bottom slab of RCC. Now, here is a question कि इन शील्ड्स की फैब्रिकेशन क्यों की जाती है। अगर हम बात करें फ्रंट शील्ड की,
तो ये फ्रंट शील्ड जो है उसका यूज हम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और कटिंग एक्शन के लिए करते हैं। और ये जो कटिंग शील्ड जो है वो बॉक्स के फ्रंट साइड पे कास्ट की जाती है और फैब्रिकेट की जाती है। और ये जो रियर शील्ड है उसका फैब्रिकेशन एंकरिंग प्लेट जो है उनको और स्लैब के फेस को जैकिंग प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमीडिएट जैकिंग स्टेशंस। जैसे आप सबको पता है कि ये जो बॉक्सेस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो कई सारे सेगमेंट्स में कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो इनके साइजेस भी कंपैरेटिवली बड़े ही होंगे। उनको उठाने के लिए या पुश करने के लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, तो इसी वजह से इस प्रोसेस में हम इंटरमीडिएट जैकिंग स्टेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी अब जो मेन प्रोसेस है वो है पुशिंग ऑपरेशन ऑफ द बॉक्स, जो कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जैसे कि आपको पता है बॉक्स पुशिंग टेक्निक का जो मेन एजेंडा है वो है कि ग्राउंड में हमें एक हॉरिजॉन्टल ओपनिंग तैयार करनी है बाय यूजिंग द बॉक्स। अब जैसे कि हम इन बॉक्सेस को अलग अलग सेगमेंट में प्रीकास्ट करके पुश करने वाले हैं टूवर्ड्स द ग्राउंड टू मेक अ हॉरिजॉन्टल ओपनिंग थ्रू इट, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शन एक्शन क्रिएट हो जाएगी बॉक्स के सरफेस में और ग्राउंड में, दोनों में फ्रिक्शन एक्शन क्रिएट हो जाएगी जो कि क्या कर सकता है, बॉक्स के स्ट्रक्चर को नुकसान कर सकता है। एंड देयरफॉर टू रिड्यूस दिस फ्रिक्शन अ थिन लेयर ऑफ ग्रीस एंड थिक गेज शीट ऑफ प्लास्टिक इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टॉप ऑफ द थ्रस्ट बेड एंड द बॉटम ऑफ द बॉक्स। वी कैन यूज अल्टरनेट ऑप्शंस फॉर दिस लाइक ग्लॉसी इपॉक्सी लेयर्स, ड्रैग शीट मेथड्स, ऑक्सिलरी बेड्स एक्सेट्रा। तो अभी जो मैंने आपको मेथड्स बताई तो उन अल्टरनेटिव मेथड्स का यूज करके हम बॉक्स को, मतलब बॉक्स के फर्स्ट सेगमेंट को ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट सेगमेंट बॉक्स का ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा तो अंदर का एक्सकेवेटेड जो स्टफ है, सॉइल होगी, स्टोन्स होगी, जो भी है, वो हम मैकेनिकली और मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट बॉक्स का सेगमेंट जो है वो ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। उसके बाद हमें सेकेंड जो सेगमेंट है बॉक्स का उसको अंदर ग्राउंड में पेनिट्रेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बॉक्स का सेकेंड सेगमेंट है उसको फर्स्ट बॉक्स के सेगमेंट के अलाइनमेंट में लाएंगे और उन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कम कर देंगे बाय यूजिंग इंटरमीडिएट जैकिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट जैकिंग का यूज होता है और जो डिस्टेंस है दोनों में का वो कम कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस रिपीट हो जाती है जब तक हम टोटल लेंथ अचीव नहीं कर लेते हमारी, जो कि हमारी टनलिंग की टोटल लेंथ होगी वो हमें अचीव होने तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉक्स पुशिंग टेक्निक। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हाइड्रोलिक इक्विपमेंट। अब देखा जाए तो ये जो पूरी टेक्निक है वो बेसिकली डिपेंड करती है हाइड्रोलिक सिस्टम के प्रॉपर सिलेक्शन पे। अब जो हम ये बॉक्सेस यहाँ से वहाँ पुश करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ता है, सो यहाँ पे हाइड्रोलिक जो हमारा सिस्टम होगा वो पावरफुल होना चाहिए। सो टू प्रोड्यूस द ट्रिमेंडस ड्राइविंग फोर्स नंबर ऑफ जैक यूनिट्स आर प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द पुशिंग लोड। इट इज प्रोवाइडेड विद अ कॉमन पावर पैक विच सप्लाइज द यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ द प्रेशर। ने यहाँ तक देख लिया कि बॉक्स पुशिंग टेक्निक जो है वो क्या है, उसका यूज क्या है, उसमें इक्विपमेंट्स कौन से यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं और जो एलिमेंट्स है उनका यूज क्या है, यहाँ तक तो हमने देख लिया। लेकिन ये भी जानना पड़ेगा कि इस मेथड के क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ बॉक्स पुशिंग टेक्निक। सो यहाँ पे फर्स्ट जो आता है, जो एडवांटेज है इस मेथड का, वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टू रेल ट्रैफिक। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो अदर फैक्टर्स है उनको डिस्टर्ब ना करते हुए हमें ये काम करना है, तो ये जो है वो ट्रैफिक को मेथड डिस्टर्ब नहीं करती। और सेकेंड वन है इट हैज़ अ बेटर क्वालिटी कंट्रोल। अब जब हम ये प्रीकास्ट कर रहे हैं तो ये मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन ही होगा, जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है वो क्वालिटी का मिलेगा, सो इट हैज़ अ बेटर क्वालिटी ऑफ कंट्रोल। ओके, थर्ड वन इज इट्स इकोनॉमिकल। जैसे कि मतलब ये स्ट्रक्चर अभी गुड क्वालिटी का है, मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा उसमें, तो ये आपको इकोनॉमिकल ही मिलेगा। जो फोर्थ हमारा पॉइंट है वो है
टाइम कम्प्लीशन इज लेस. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो तो उस ट्रैफिक को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते. अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो रोड बंद करना पड़ेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन के नोट्स लगाने पड़ेंगे और उस रोड का मतलब जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. तो ये क्या करता है, जल्दी से जल्दी हमारा जो वर्क है कंस्ट्रक्शन का वो कंप्लीट कर देगा, मतलब ट्रैफिक भी ज़्यादा देर तक आपको रोकनी नहीं पड़ेगी. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड. इट सेव्स मैन पावर एंड मशीनरी. जैसे कि हमारे अदर स्ट्रक्चर्स के क्रिएशंस होते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा मैन पावर भी लगती है, मशीनरीज भी लगते हैं, लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर ज़्यादा हमें क्या लगता है, जैकिंग स्टेशन एक लगेगा और उसके बाद हाइड्रोलिक इक्विपमेंट एक लगेगा. ये मेजर इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, उसके अलावा कोई भी इक्विपमेंट हमें नहीं लगने वाला, मशीनरी नहीं लगने वाली यहाँ पे. सो इट सेव्स मैन पावर एंड मशीनरी बोथ. इट डज नॉट इन्वॉल्व क्रेन एंड हेवी इक्विपमेंट्स, अभी बताया मैंने. लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स. तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉक्स पुशिंग टेक्निक. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है इट नीड्स ट्रेंड स्टाफ एंड स्किल सुपरविजन. अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स बताए जो हार्ड है ऑन साइट वर्क करने के लिए, तो यहाँ पे हमें जो लोग लगेंगे वो स्किल लगेंगे, जो लेबर है हमारे वो स्किल चाहिए. अगर ये प्रीकास्ट भी बॉक्सेस हो रहे हैं तभी भी हमें स्किल्ड ही लोग लगेंगे उनके सुपरविजन के लिए. हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें वो है इम्पोजिशन ऑफ कॉशन ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मेथड का. अगेन नो स्कोप ऑफ द नाइट वर्किंग. जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अलाइनमेंट एंड रिड्यूसिंग डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉक्स एंड सेकेंड सेगमेंट ऑफ बॉक्स, तो हमें नाइट में यहाँ वर्क करने का कोई भी स्कोप नहीं है. अगर अलाइनमेंट जरा सी भी चूकती है अंदर तो हमारा जो पूरा वर्क है उसका मतलब ये जीरो में गिना जाएगा. तो इसकी वजह से हमें नाइट वर्किंग का स्कोप नहीं है यहाँ पे, जो वर्क है पूरा वो डे लाइट में ही करना पड़ेगा यहाँ पे एक्यूरेसी रखने के लिए. दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट. सो अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज वंस द वर्टिकल एंड लैटरल अलाइनमेंट ऑफ बॉक्स इज डिस्टर्ब इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई इट. अभी मैंने बताया कि हम नाइट में क्यों वर्क कर सकते हैं, तो इसका रीजन क्या है. अगर फर्स्ट और सेकेंड सेगमेंट का थोड़ा सा भी मतलब अलाइनमेंट जो है इधर उधर हो गया तो एक तो स्ट्रक्चर तो खराब ही हो जाएगा और उसके बाद हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते. मतलब हमने अगर ये बॉक्स पेनिट्रेट कर दिया बॉक्स ग्राउंड के अंदर तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसकी अलाइनमेंट पहले से चूक गई है और जो स्ट्रक्चर है वो बेकार हो जाएगा, उसका यूज नहीं होगा. अगेन लास्ट वन इज इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट इन हार्ड रॉक स्ट्रेटा. अब जब हम पेनिट्रेट कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर उस बॉक्स को, तो अगर वहां पे हार्ड रॉक स्ट्रेटा होगा तो वो अंदर पेनिट्रेट होने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स देगा. तो इस टाइप के सॉइल में हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है इस मेथड से कंस्ट्रक्ट. तो यहाँ पे अभी हमने देख लिया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉक्स पुशिंग टेक्निक. बट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन साइट देयर विल बी सम डिफिकल्टीज. तो उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए पहले से ही हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. तो यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट होगा जो कि है प्रिकॉशंस. तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताई थी जो कि थी फ्रंट शील्ड की. तो यहाँ पे जो फ्रंट शील्ड की कटिंग एजेस है वो प्रॉपर थिकनेस के होने चाहिए, जैसे कि वो ग्राउंड में आसानी से पेनिट्रेट हो जाए. और उसकी जो थिकनेस है कटिंग एजेस की, हमें वो 16-20 mm तक मेंटेन करनी पड़ती है. एंड वी यूज MS प्लेट्स फॉर इट टू प्रिवेंट केविंग ऑफ द अर्थ. हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे जैसे हम बॉक्स के सेगमेंट को ग्राउंड में पेनिट्रेट करेंगे वैसे ही हम अंदर का जो सॉइल स्टफ है वो मैकेनिकली और मैन्युअली बाहर निकालते रहेंगे. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो भी हमारे बॉक्सेस के सेगमेंट है उनको एक ही अलाइनमेंट में रखने के लिए हमें गाइड चैनल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं. उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है बॉक्सेस की जो हमारी यूनिफॉर्म लेवल होती है उनको भी बार बार चेक करना पड़ता है. अगर हम बाकी की एमिनिटीज को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ के एरिया में हमें कुछ स्पीड लिमिट्स भी रखनी पड़ती है.
तो वहां की मिनिमम स्पीड लिमिट जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई भी व्हीकल वर्क के ऊपर से पास हो रहा है, एज इन ट्रेन इज पासिंग ओवर द वर्क, देन वर्क शुड बी स्टॉप्ड। तो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है कंक्लूजन। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टेक्निक, इज सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। जब तक हमारा पूरा काम हो नहीं जाता, तब तक हमें काम पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, क्लोज सुपरविजन रखना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम इस टेक्निक को यूज करके वर्क करते हैं तो हम पार्टली ब्लाइंड रहते हैं, तो कभी भी साइट पे अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन बोथ द पॉइंट्स आर प्राइम इम्पोर्टेंट। बॉक्स के सेगमेंट के जो ट्रैक्स है उन पे भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उन पे ध्यान नहीं दिया तो मिसअलाइनमेंट, सेटलमेंट जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो एट द लास्ट, जो ये बॉक्स पुशिंग की जो सिस्टम है वो पूरी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम पर डिपेंड करती है, और ये जो बॉक्स पुशिंग की टेक्निक है वो सबसे ज्यादा सेफ है अंडरग्राउंड टनलिंग के लिए। So guys, this was all about the box pushing technology. If you have any queries or any questions about this, please let me know on my Instagram handle, which is civilbug4799. I will try to sort your questions. And if you like the video, if you found it helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.